एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करूंगी जो मैंने स्पेशली क्रिएट किया है करवा चौथ के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सो गाइस, मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया है। एक्चुअली ना आईब्रोज़ को फिल करने का सभी का अपना अपना तरीका होता है। मुझे बहुत ज़्यादा भड़कीली सी आईब्रोज़ नहीं पसंद है, मुझे बस सिंपल सी आईब्रो पसंद है एंड ये मेरे को सूट भी करती है। सो गाइस, अभी मैं यूज़ करूँगी इनसाइड कंपनी का कंसीलर एंड इसको मैं अप्लाई करूँगी एज आई शेडो बेस। सो मैं जस्ट फिंगर की हेल्प से ये अप्लाई कर रही हूँ एंड जल्दी से मैं इस कंसीलर को ब्लेंड कर लेती हूँ। एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पैक का 210 ब्रश। ये ब्रश ना बहुत सॉफ्ट है एंड बहुत अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर देता है। ऑल्दो मेरे पास कफ्स एंड लैशेज का भी ब्रश है बट वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है जितना ये ज़्यादा सॉफ्ट है। सो आई लव पैक ब्रशेस। अभी कंसीलर को मैं लूज पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। अभी नेक्स्ट आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी की प्रोफेशनल HD आई शेडो पैलेट एंड इसमें से मैं ले रही हूँ ब्राउन कलर। आप कोई भी ब्राउन कलर ले सकती हूँ। एंड ब्रश जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है प्रो आर्ट का ब्रश PE29। अभी इस कलर को मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी क्रीज लाइन पे। सेम कलर को जो मैंने आउटर वी पे लगाया था उसको मैं दोबारा से ले रही हूँ एंड इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने आउटर कॉर्नर पे। बेसिकली जो ये लैश लाइन दिख रही है ना आपको एंड जो ये आपको क्रीज लाइन दिख रही है उसको जॉइन कर दूँगी इस तरह से। यू कैन सी आसानी से आउटर वी बन गया है। अभी हम ना इसे जिग जैग मोशन में इस तरह से ब्लेंड करेंगे इस शेड को एंड आप देख सकते हो ऐसा करने से जो आउटर वी है वो आसानी से बन गया है। अगर आपको लगे ना कि कलर जो है अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ है आउटर वी पे तो आप एक किस तरह से फ्लफी ब्रश लीजिए एंड जस्ट जिग जग मोशन यूज़ कीजिए इस तरह से बहुत लाइटली एंड जितना भी आपका एक्स्ट्रा कलर था वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा एंड इस तरह से आप क्रीज में भी इस ब्रश को मूव कर सकते हो। अब यूज़ करेंगे ग्लिटर। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आपको पता ही है मेरी फेवरेट ग्लिटर डैट इज़ स्विस ब्यूटी लूज फॉइल ग्लिटर। तो मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ वो है 07 एंड ब्रश आपको पता ही है कि मैं ब्रश यूज़ करती हूँ वेगा का। सो चलिए अप्लाई करते हैं ग्लिटर। सो मैं इस ब्रश की हेल्प से ग्लिटर को ले रही हूँ। अभी थोड़ा सा मैं स्प्रे कर रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे ब्रश पे क्योंकि लूज़ ग्लिटर है तो फैल जाएगा आपके सारे फेस पे। तो अगर आप इसके अंदर मेकअप सेटिंग स्प्रे को लगा दोगे तो ये फिक्स हो जाएगा ब्रश के अंदर एंड बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। सो मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ अपनी आईलिड पे। अभी फिर से मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेम ब्राउन कलर एंड अप्लाई कर रही हूँ उसे अपने आउटर कॉर्नर पे। ऐसा करने से ना ग्लिटर और आउटर कॉर्नर आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ एक न्यूड पैक की काजल पेंसिल एंड इसको मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। सेम कलर जो मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया था उसको मैं ले रही हूँ इस वेगा की ब्रश की हेल्प से। ये एक बहुत ज़्यादा स्मॉल लाइनर ब्रश है। सो इस ब्राउन कलर को ना मैं अप्लाई करूँगी अपने न्यूड काजल पेंसिल के नीचे एंड इस लाइन को ना मैं जॉइन कर दूँगी अपने आउटर वी के साथ। तो गाइस, अभी मैं अप्लाई कर लेती हूँ हाइलाइटर अपने इनर कॉर्नर पे। सो थोड़ा सा हाइलाइटर मैं अप्लाई कर लेती हूँ अपने ब्रो बोन पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि आई मेकअप है ना वो 80% ख़त्म हो गया है, बाकी की जो लैशेस वगैरह रह गई हैं वो मैं लगाऊंगी लास्ट में। अभी हम शुरू करते हैं अपना
बेस मेकअप। फेस मेकअप के लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। सो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कंपनी का। सो मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट पड़े हैं ना, जब तक मैं उनको फिनिश नहीं कर लेती तब तक मैं न्यू नहीं लेती हूँ, क्योंकि इनको भी तो यूज़ करना है और पैसे भी लगाए हैं, पैसे का भी बजट कम है। अभी सबसे पहले ना मैं कंसीलर को यूज़ करूँगी अपने फेस पे। आप देख सकते हो थोड़ी सी ना मुझे डार्कनेस है इधर इधर इधर, एंड थोड़ी सी अंडर आइज पे भी लग रही है और थोड़ी सी इधर फॉरहेड पे भी लग रही है। तो इसके लिए ना मैं ये वाला कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो कि है इनसाइड कंपनी का। ये कंसीलर ना थोड़ा सा येलो टोन में है, सो इसी वजह से ना ये जो आपकी डार्कनेस है ना या टैनिंग की प्रॉब्लम है उसे अच्छे से कवर कर लेता है। थोड़ा सा मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप्स के अराउंड, थोड़ा सा अपने अंडर आई पे, एंड थोड़ा सा ना इधर नोज की साइड से, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ब्लैक हिट्स हैं उनको भी ऐड करना है। सो मैं ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर को सेम कंसीलर ब्रश की हेल्प से। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा डेली लाइफ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। थोड़ा सा ले रही हूँ ऐसे अपने हैंड्स पे एंड जस्ट डॉट डॉट्स बना के मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अभी फाउंडेशन को ब्लेंड करते करते मुझे एक बात याद आई, जब ना मैं 8th क्लास में थी, जब मैं 13-14 ईयर ओल्ड थी, तब ना मुझे बहुत शौक था करवा चौथ का एंड फेस्टिवल सीजन का। मैं कब शादी होगी मेरी, कब मैं टीन ईयर की होंगी, कब मेरी शादी होगी और कब मैं मेकअप करूँगी अपने करवा चौथ के लिए। सो अब तक मैं सिंगल हूँ, अब तक शादी नहीं हुई है, बट जब भी करवा चौथ आता है तो एक फीलिंग सी आ जाती है कि यार मैं भी ड्रेस पाऊँ, मैं भी मेकअप करूँ। बट कोई बात नहीं, अगर शादी नहीं भी हुई है तब तो मेकअप तो कर ही सकते हैं ना, फीलिंग तो ले ही सकते हैं ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं। बाय द वे फाउंडेशन को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, यू कैन सी ये वाला फाउंडेशन ना मेरा फेवरेट बन चुका है। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। वैसे मैंने इसका फुल रिव्यू भी शेयर किया है अपने चैनल पे, तो लिंक आपको वीडियो का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी फाउंडेशन को मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ लूज बॉर्डर की हेल्प से। लूज बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, कोई नहीं। थोड़ा सा ना मैं फेस को कंट्रोल करूँगी क्योंकि थोड़ी सी चबी हूँ मैं, मोटी हूँ मोटी सी। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मूवा कंपनी का ब्रॉन्जर, एंड ब्रश जो मैंने लिया है वो है कफ्स एंड लैशेस का ब्रश F012। वैसे गाइज मैंने सारे प्रोडक्ट्स की जो भी डिटेल्स है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर दी है, सो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करना। सो थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ जस्ट मैं अपने चीक्स को। अभी थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी मैं अपनी जो लाइन को, क्योंकि मेरे डबल चिन है। सो गाइज अभी ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा शुगर का ब्लश, एंड जस्ट मैं स्माइल करूँगी एंड जो ये आपकी चीक्स बन रहे हैं ना यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ब्लश को। मैं अभी थोड़ा सा बनाना पाउडर ना अपने अंडर आईज के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप बनाना पाउडर अप्लाई करोगे ना अपने अंडर आई वाले एरिए पे, तो आपकी जो आईज के अराउंड जो स्किन है ना वो ब्राइटन अप होगी, जैसे आप देख सकते हो मेरी हो रही है। सो बनाना पाउडर मस्ट हैव है, आपके पास ही बनाना पाउडर होना चाहिए। मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, मुझे इसे ऑर्डर करना है, पर मैं जल्दी ही ऑर्डर करूँगी। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ नायका का सेम हाइलाइटर, एंड ब्रश में सेम यूज़ कर रही हूँ जो मैंने ब्लश के लिए यूज़ किया था, डैट इज़ कफ्स एंड लैशेज ब्रश F012। सो मैं हल्का सा हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा फॉरहेड पे अप्लाई कर लेती हूँ।
थोड़ा सा अपने नोज पे, थोड़ा सा अपने चिन पे। अभी मैं यूज़ करूँगी मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड इसको मैं स्प्रे कर दूँगी अपने पूरे फेस पे। मैं क्विकली अपनी लिप्स की आउटलाइन कर लेती हूँ एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैबेलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक। ये बहुत ज़्यादा पुरानी लिपस्टिक है, मेरे पास जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था तब की पड़ी है। सो इस ब्रश की हेल्प से मैं इस लिपस्टिक को ले रही हूँ। सो गाइस, रेस्ट ऑफ मेकअप हम करेंगे बाद में। सबसे पहले मैं अपनी ड्रेस बियर्ड कर लेती हूँ एंड थोड़ी सी ज्वेलरी, लैशेज वगैरह जो रह गई हैं वो हम लगाएंगे लास्ट में। सो गाइस, मैंने ज्वेलरी एंड ड्रेस बियर्ड कर ली है ऑफ कैमरा। अभी मैं अप्लाई करती हूँ आई लैशेज एंड उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, आई लैशेज मैंने अप्लाई कर ली हैं ऑफ कैमरा। आज ना मुझे आई लैशेज लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लग नहीं रही थी कहीं आई लैशेज, होपफुली चिपक गई है। सो गाइस, अभी ना जो लिपस्टिक का कलर है ना, ये पिंक टोन में जा रहा है। सो मुझे प्रॉपर रेड चाहिए अपने ड्रेस के साथ का। मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी फेवरेट मैक की लिपस्टिक एंड इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अभी आ रहा है ना मस्त रेड वाला कलर। सो गाइस, अभी ना आजकल ग्लॉस का ज़माना है और ज़माने के साथ साथ चलना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लॉस जो कि मैंने ली है रिसेंटली नायका से, इनसाइड कंपनी की। सो इसको मैं इस रेड शेड के ऊपर लगा लूँगी। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड यस सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको मेरी सारी ज्वेलरी जो भी मैंने वियर की है इसकी डिटेल्स मेरे खुद के मीशो स्टोर पे मिल जाएंगी। यस, मैंने रिसेंटली ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया है। सो आपको ये अमेजिंग कलेक्शन देखने को मिलेगी ओनली ऑन मीशो एंड फ्लिपकार्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जरूर चेक करना। यस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।